तो ये है मेथी जिसको मैंने एक रात के लिए भिगो के रखा था, और मैं इसे और स्प्राउट होने के लिए इस कुटार की जगह पे रखने वाला हूँ। हालांकि यार थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, तो मैं इस जगह पे एकदम अंदर तक इसको रखूँगा। सो इसको ज़रा सा ट्विस्ट किया है मैंने, और इसको एकदम अंदर तक रख के उसके ऊपर सारा धान मैंने बिछा के रख दिया है। अब कल फिर से मतलब 24 आवर्स के बाद हम देखेंगे इसमें कितनी स्प्राउटिंग हुई है, और इसके अपडेट्स मैं देता रहूँगा। और अब 24 घंटे हो चुके हैं, और हम देखते हैं कि हमने जो कल स्प्राउटिंग के लिए मेथी रखी थी, क्या वो अच्छे से स्प्राउट हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रूट्स निकल चुके हैं और अच्छे से स्प्राउटिंग हुई है सीड्स की। और ये थोड़े गर्म भी हैं क्योंकि ये इस ह्यूमिड कंडीशन में था, और देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से ये ग्रो हो चुके हैं। और मैं इन्हें इन टब्स में डालूँगा। हालांकि यहाँ पे जो पेड़ों की खाल होती है वो है ये, और ये जो हमारे कूलर के ऊपर के टब होते हैं वो है, और इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और उन्हें इनके ऊपर स्प्राउट करूँगा। और इस तरह का पिछली बार मेरा मेथी का रिज़ल्ट आया है। ये मैंने सिस्टमैटिक वे से नहीं डाली हुई, ये सिस्टमैटिक वे से डाली हुई है।